दोस्तों आईपीएल साल 2022 का सीज़न शुरू होने में अब काफ़ी कम समय रह गया है। कम समय तो मेगा ऑक्शन में भी रह गया है, जिसकी सभी तैयारियां सभी टीमें कर रही है। दो नई टीमें जो आई थी, अहमदाबाद और लखनऊ, अपने स्पेशल प्रोसेस ड्राफ्ट जो उनका बहुत जल्दी एंड होने वाला है, उनके वो तीन तीन प्लेयर्स भी बहुत ही जल्द अनाउंस करने वाली है। ये तीन प्लेयर काफ़ी अनोखे होने वाले हैं और दूसरी टीमों को काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी। खैर, आज बात करेंगे केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में। टीम केकेआर की दिन भर की टॉप अपडेट्स आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। जो भी अपडेट्स बाहर निकल क्या है, चाहे वो अपडेट हो मेगा ऑक्शन के ऊपर कि केकेआर में क्या नया धमाका मेगा ऑक्शन को लेकर होने वाला है, आज की वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इन अपडेट्स के चलते केकेआर को क्या फायदा या क्या नुकसान होने वाला है, सब कुछ आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये वीडियो बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, स्किप मत करना वीडियो, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों मैं आपको इंडिया का नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा। इनका नाम है रेडी अन्ना और ये साल 2010 से बने हुए हैं। यहाँ आप 160 प्लस गेम्स खेल सकते हो। इनके पास 15 प्लस साइट्स हैं और 100 ब्रांचेस से भी ज्यादा है इंडिया के अंदर। 24/7 का विड्रॉल आपको यहाँ मिल जाता है। आप इनको व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके सभी डिटेल्स ले सकते हो। साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ आप काफी सारी डिटेल्स जान सकते हो। इसके अलावा पेमेंट प्रूफ भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो अभी जाके ज्वाइन कर लो रेडी अन्ना को। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2022 के सीजन में मेगा ऑक्शन के लिए कुछ अनोखे प्रयास जरूर करेगी, क्योंकि उनके पास पर्स मनी कम है और उनको प्लेयर्स को ज़्यादा ही बड़े चाहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ क्या आपको लगता है केकेआर के पास जो 48 करोड़ है वो एक करेक्ट पर्स मनी है या फिर कम है या ज़्यादा है। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहले अपडेट आ रही मिचेल स्टार्क को लेकर। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, मिचेल स्टार्क फाइनली कमबैक कर रहे हैं 6 साल बाद आईपीएल के अंदर। अपना नाम वो मेगा ऑक्शन के अंदर सबमिट करने वाले हैं। किन्हीं कारणों से वो कभी अपना नाम नहीं करते थे, जो भी रीजंस थे, 6 साल के लंबे गैप के बाद हमें मिचेल स्टार्क को वापस देखने को मिलेंगे मेगा ऑक्शन के थ्रू आईपीएल साल 2022 के सीजन में। मैं आप सभी को बता दूं, आईपीएल साल 2000 के अंदर यहाँ पर दोस्तों जो पहला इनका 6 वाला सीजन था, जो 6 यहाँ पर साल जो मिस इन्होंने की है, उसके अंदर जो लास्ट सीजन था, केकेआर ने इनके ऊपर बिड किया था 9.4 करोड़ रुपए के अंदर और मिचेल स्टार्क उस समय आए नहीं थे। रीजंस कुछ भी हो, यहाँ पर मिचेल स्टार्क नहीं आए थे, उसके बाद से इन्हें आईपीएल में देखा नहीं गया है। तो मिचेल स्टार्क फिर से आएंगे और केकेआर यहाँ पर इनके ऊपर फिर से बोली लगा सकता है। अभी पक्का नहीं है केकेआर इनके ऊपर बोली लगाएगा या नहीं लगाएगा, क्योंकि पैट कमिंस को वो टीम में लेना चाहेगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ, मिचेल स्टार्क मेगा ऑक्शन में अपना नाम दे रहे हैं तो केकेआर उनके ऊपर बिड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो कितने पैसे देने चाहिए। अगली अपडेट निकल कर रही है मेगा ऑक्शन को लेकर। 12 और 13 फरवरी को मेगा ऑक्शन आप सभी को पता है बेंगलुरु के अंदर रखा गया है। वेन्यू तय है, डेट तय है, सब कुछ हम आपको हमारे चैनल के ऊपर बता देंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी ऑन कर लेना। तो यहाँ अपडेट ये है कि ब्रेंडन मैकुलम हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं मेगा ऑक्शन के अंदर। वो हमें फिर से लाइव कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जैसे आपने लास्ट जो मिनी ऑक्शन था उसके अंदर देखा होगा, यहाँ पर दोस्तों जो वेंकी मसूर हैं उनके साथ वो आपको कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू देखने को मिलेंगे। पर हिंट्स अभी ये निकल के आ रही है कि केकेआर के को ओनर शाहरुख खान हमें प्रेजेंट होते हुए देखने को मिल सकते हैं, वो भी आर्यन खान के साथ। देखते हैं आर्यन खान खुद आते हैं या फिर शाहरुख खान भी साथ में आते हैं। अगली अपडेट निकल के आ रही है विकेट कीपर्स को लेकर। तो यहाँ दोस्तों आप सभी जानते हो केकेआर को एक मजबूत टीम बनानी है, जिसके अंदर वो अलग अलग ऑलराउंडर देख रहा है, कहीं बैट्समैन देख रहा है, कहीं बॉलर देख रहा है। बट यहाँ इन डिपार्टमेंट के अंदर देखते देखते केकेआर को यही नहीं बोलना चाहिए कि उनको एक विकेट कीपर की भी तलाश है। वो विकेट कीपर एक अच्छा बल्लेबाज हो तो यहाँ केकेआर को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और मैं आप सभी को बता दूँ, दिनेश कार्तिक उनकी एक फर्स्ट चॉइस नहीं है। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या आप एक स्पेशल वीडियो देखना चाहोगे केकेआर किन किन विकेट कीपर्स को अपनी टीम में लेगा, किस पर बोली लगाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।